गोल्डन, हाँ तू आज लंच के लिए क्यों नहीं आई? सब ठीक है ना? विदिति सुनो ना, आपको पता है अर्जुन कहाँ पर है? उसको पूछू ना एक बार फोन करके वो कब लौट कर आएगा। विदिति प्लीज बताओ, उसने कुछ कहा आपसे? गोल्डन क्या हो गया? अर्जुन के बारे में इतने सारे सवाल। एक मिनट रुक। ये देख, मैंने तुझे अर्जुन का यूके का नंबर भेजा है, तो खुद ही उससे ये सारे सवाल कर ले। ठीक है। मिस यू हैंसम, बिना गुड बाय हक दिए चले गए ना तुम। मलाया यार, कम इन। सर, मैंने अर्जुन को फोन किया लेकिन वो तो यूके में है। यूके? यस सर। कब, क्यों? आई डोंट नो सर। अनया, प्लीज एक्सक्यूज अस। तुम्हें अर्जुन के बारे में पता है? यूके क्या? आई नो, मुझे मैसेज किया था उसने, मैं यूके जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसे शादी के लिए इतना प्रेशराइज करो इसलिए भाग गया वहां पे? प्लीज योगेश, आई डोंट थिंक सो। बात कुछ और है, हमें अर्जुन से बात करनी चाहिए। ये गमन सर। हाँ आओ। विदिति प्लीज कम। जी सर, आपने बुलाया। हाँ बैठो प्लीज। सर वो कुछ ऑफिस का काम था। विदि देखो, हमारे बीच में जो भी बात हुई उसको लेकर मैं तुमसे सर देखो विदि, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं हमेशा फायदे के बारे में सोचता हूं। तो कभी कभी एक बिजनेसमैन को ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कट थ्रोट डिसीजन होता है, वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है जिससे सर मुझे ना ये वर्ड आपके लग ही नहीं रहे। सर आपको सूट ही नहीं कर रहे। वैसे सर मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। खबर मुझे चाहे जहां से भी मिली हो, लेकिन वो मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। का ये जो प्रैक्टिकल डिसीजन है ना सर, वो एकदम भन्नाट है। सजावटी तो है, हो जाएगी, बस थोड़ी सोच ऊंची रखनी पड़ेगी। अभी बड़े लोग हैं, हमारे तरह थोड़े ये झूमर और लटकन लगा के काम हो जाएगा। तो उनके दर्जे की सजावट करनी होगी तो बिल भी उसी हिसाब से बनेगा। जितना वाजिब होगा ना उतना ही लेना। अरे वो लोग भी जानते हैं यहाँ तुम्हारा झांकी मंडप नहीं होने वाला है, और ज्यादा पैसे अटने की जरूरत नहीं है, भले लोग हैं वो। हाँ दोगे जी जी, पता भी है बड़े बड़े होटल में एक एक फूल चिपकाने के हजारों ले लेते हैं और हम अपने हक की भी ना मांगे। ये तो वही बात होगी, घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधा खाए च्यवनप्राश। अरे ईमानदारी से सजावट करूंगी तो ईमानदारी से ही पैसे लूंगी ना। और वैसे भी आप ना रहने दो, मेरा काम है, मैं देख लूंगी। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मेरी सोने की बेबी डॉल, इधर इधर आ बैठ। अब बता कैसा था तेरा दिन? मम्मा आज का दिन तो कमाल का था, है ना दीदी? क्या सेलिब्रेशन हुआ ऑफिस के अंदर, देव सर की शादी तय होने की खुशी में सब बहुत खुश थे। अरे मजा तो तब आएगा जब उनकी सगाई यहाँ मिलाप में देवी के मंदिर में होगी। और पता है उसकी सजावट का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? किसको? अरे तेरी मम्मी को और किसको?
मेरे पहले हाई प्रोफाइल की लाइन। मम्मा क्या बात है। लो चाय। विधि चाय? ना नहीं नहीं माँ, चाय नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास दुखी दुखी क्यों लग रही है? मैं पिंक सर से प्यार करती हूँ करती हूँ। हाँ हाँ वो तो होगी ना। मैं बताती हूँ विधि दी को क्या हुआ है। मुझे सब पता है। क्या हुआ इसे गोल्डन, तू बता विधि, कुछ हुआ है क्या? वो किसी से भी इसके बारे में तुम कुछ नहीं कहो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। देख लो अर्जुन, गोल्डन तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है। बताना गोल्डन। ताई जी वो प्रेशर, वो विधि को बहुत प्रेशर है ना, ना सो पाती है ना कुछ खा पाती है। तो कैसा प्रेशर? ताई जी काम का प्रेशर। अब वो देव सर सारे बड़े बड़े काम विधि दी को ही तो देते हैं, इसीलिए इतनी थकी हारी लगती है विधि दी। बेटा काम करना जरूरी है पर अपनी सेहत को नजरअंदाज करके नहीं ना। माँ मैं अकेली थोड़ी ना काम करती हूँ ऑफिस में, सभी करते हैं और मैं ठीक हूँ। लो कर लो बात। और मैं यहाँ सोच रही हूँ पता नहीं क्या ही बात निकलेगी। तो तुम कौन से भौकाल की उम्मीद लगाए बैठी थी? विधु अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बता दिया कर बेटा, थक गई होगी। भूख लगी है? मैं नाश्ता बनाती हूँ। चलो हम भी देखें क्या बना है। गोल्डन तू ऐसे क्यों बात कर रही थी जैसे तुझे मेरा कोई राज पता हो? मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि सब थोड़ा घबरा जाता है, आइंदा से मतलब थोड़ा ध्यान रखा बात करने में। ध्यान रखा इसीलिए पोल पट्टी नहीं खोली तुम्हारी अभी तक। ये गोल्डन का मूड है, पता नहीं कब बदल जाए। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूं लेकिन आपके गुस्से के डर के बारे में बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूं। तुम्हें इस दर्द से बाहर निकलना होगा विधि, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारा दिल बहुत साफ है विधि, बहुत साफ है। जो इस वक्त सिर्फ प्यार देख रहा है वो आफत नहीं देख रहा जो तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते के जुड़ने के बाद आएगी। समाज की बातें सह नहीं पाओगे विधि। देव सर आप अंबा मैम के साथ बहुत खुश रहे। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत इज्जत है ना, इज्जत को लेके बहुत ऊंचाई दे रखी है तुमने मुझे।
पर अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है उस ऊंचाई से गिरने का। तुम्हारी नजरों में मेरे लिए जो भी ये इज्जत है उसे खत्म होना होगा, क्योंकि जब तक वो इज्जत खत्म नहीं होगी तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। इस प्यार से तुम्हें आजाद होना होगा विधि, और उसके लिए ये एक रास्ता है। तुम्हारी नजरों में मुझे गिरना पड़ेगा। अरे हाँ जी, पुराना संदूक क्यों खोल कर बैठे, क्या ढूंढ रहे हैं? ये ढूंढ रहा था। सोने का सिक्का, आज इसकी याद कैसे आई? रुकिए मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। तुम्हें पता है राजा जी ने मेरे पुरखों को उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए दिया था ये। जानती हूँ, और हमने विधि की शादी के लिए बचा के रखा है, तो फिर आज क्यों निकाला इसे? अच्छा बिमला, देव साहब की शादी हो रही है, अभी सगाई है, और देव साहब ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए। तो मैं ये सोच रहा था बिमला के, क्यों ना ये सिक्का उन्हें भेंट के तौर पे दे दें शादी पे। मैं मानता हूँ विधि की शादी के लिए बचा के रखा हुआ था हमने ये, पर कोई बात नहीं, विधि की शादी के लिए आ जाएगा, बहुत आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो बस यही राय लेनी थी तुमसे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, हम उन्हें दे ही कह सकते हैं। ये पुराना सिक्का देंगे तो भेंट भी कुछ अलग सी होगी ना। क्या चाहिए अम्मा? मुझे लगा अब हम एक होने वाले हैं तो सगाई के अरेंजमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और रिंग्स भी तो सिलेक्ट करनी है। रियली? मुझे तो लगा था कि तुम अकेले ही डिसाइड करती हो सब कुछ, जैसे तुमने मुझसे बिना डिस्कस किए ये डिसाइड कर लिया कि सगाई मिला अपनी देवी के मंदिर में होगी। तो अब ये नाटक क्यों कर रही हो? नाटक? मैं तो बस देवी माँ के आशीर्वाद चाहती हूँ, इसलिए सगाई वहां करने की सोची। अम्मा प्लीज, मुझे पता है तुम्हें आशीर्वाद वाशीर्वाद में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तुम ये सगाई वहां पे सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ताकि विधि को टॉर्चर कर सको। प्लीज देव, तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी शादी होने वाली है, फिर भी इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? तुम मत करो ना मुझसे शादी, क्यों कर रही हो? जाओ अभिमन्यु के पास, चित्रा के पास, कह दो उनसे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, और ये तो तुम करोगी नहीं। ये शादी करने के लिए तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया, वो बहन जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसे कभी मना नहीं कर सकता। तुमसे शादी करना या और कुछ करना उसे क्या फर्क पड़ता है? तुम जो चाहती हो करो, जो भी करने करो, लेकिन मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके? मैं पहुंच जाऊंगा वक्त पे, जहां भी पहुंचना है, मेरा वादा है। देव, मेरे साथ नहीं चलोगे? मुझे अच्छा फील होगा अगर तुम मेरी रिंग सिलेक्ट करोगे तो। अंबर, शायद तुम समझी नहीं, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, और ना ही तुम्हारे आंसुओं की।
देव, देव कम से कम अपनी रिंग फिंगर की मेजरमेंट तो दे दो। ये पकड़ो, ये इसमें जो टूटा है उसके लिए रिंग रखो, ठीक है? थैंक यू। मैं तुम्हारे दिल में जगह बना कर रहूंगी, बस अब इतना मत लड़ो, मुझसे जीत नहीं पाओगे। माँ प्लीज, अभी नहीं, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आके आराम से बात करता हूँ। दो मिनट लगे। माँ प्लीज प्लीज प्लीज। देव, ऐसा क्या हुआ कि देव को मेरी बात भी नहीं सुननी है? प्रणाम माँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूं आप मेरे और देव के रिश्ते को लेकर कश्मकश में हैं, पर मुझे एक मौका तो दीजिए, भरोसा रखिए मुझ पर। मुझे देव की परवाह है, बहुत प्यार करती हूं मैं उनसे, हमेशा से। मैं सच में उन्हें बहुत खुश रखूंगी। आपने शायद देव के परिवार को लेकर मेरी डेडिकेशन को ठीक से समझा नहीं। आपने देखा ना उस दिन कैसे मैंने एक झटके में अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपके कदमों में रख दी थी। देव के परिवार के लिए मैं कुछ भी करूंगी माँ। बोल लिया, क्या और कुछ बाकी है? सासू माँ, आप भी मुझसे मेहनत करवाएंगी? चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपके दिल में भी जगह बनानी ही होगी। बिल्कुल अपने सौतेले बेटे पे गई हैं आप। अरे विधि, हाँ तुम्हारे मॉम डैड कहाँ? पापा माँ आप लोग यहाँ? देव साहब को बधाई देने आए थे। वो इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, तो सोचा कि हम खुद जाके उनको बधाई दे आए। तू चिंता मत कर, हमें पता है वो बड़े आदमी हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस बधाई देके चले जाएंगे। हाँ। मैं देखती हूँ। अरे देवता, बहुत 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 बधाई हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विधि मेरे कैब में है, प्लीज। मैं आती हूँ। मुझे लगता है वो अंदर बुला रहे हैं हमें, वो बाहर ये सबके सामने अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। ऑफिस के रूल होते हैं। अरे अंदर ही चलते। विधि क्या था बाहर? ऑफिस है, यहाँ पे एक डेकोरम फॉलो किया जाता है, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब तुम नहीं आई थी मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, ये घर से नहीं आ सकते लोग बार बार। अरे तुम्हारी चाची आई थी, वो कार्ड दे रही थी सबको, तुम्हारे मॉम डैड कभी भी आ जाते हैं। आई एम सॉरी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उनसे कह देना कि बार बार वो ऐसे नहीं आ सकते। समझ गई ना? समझी कि नहीं? थैंक्स, दैट्स ऑल।